तो मैं वैभव आपका रिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। तो आपको जो एप्लीकेशन से हाइड्रोलिक के रहने दो या न्यूमेटिक के रहने दो, आपको ऐसे अलग से याद नहीं रखने हैं। आपको क्या करना है, उसको पिक्चर फॉर्म में अगर आप याद रखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट लिखा है न्यूमेटिक टूल्स। न्यूमेटिक टूल्स मतलब क्या है कि अगर आप आपका बाइक सर्विसिंग करने को लेके जाते हो अगर किसी ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे, तो वहाँ पे देखते हो आप ऊपर से एक पाइप रहता है, फिर वहाँ से एक स्प्रिंग टाइप वायर रहता है ब्लू कलर का, और उसके वहाँ पे एक टूल रहता है कि जहाँ से क्या कर रहा है वो ऑपरेटर आपके गाड़ी के नट बोल्ट टाइट कर रहा है या लूज़ कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, नट रनर कहते हैं। मैन्युअली वो आपके गाड़ी के जो नट रहते हैं वो नहीं रिमूव करता, वो न्यूमेटिक गन से उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है, उसको क्या कहते हैं, नट रनर कहते हैं, ठीक है। और फिर ड्रिलिंग मशीन, आपने कभी देखा होगा कि एक ट्रैक्टर रहता है, ट्रैक्टर के पीछे और एक कुछ अरेंजमेंट किया कंप्रेसर रहता है, और फिर वो कंप्रेसर से क्या करता है, एयर लेके आपका जो रॉक ड्रिलिंग मशीन रहता है, या अगर रोड का कुछ रोड आपको ये करना है, खोदना है, तो क्या करते हो आप उसका यूज़ करते हो रॉक ड्रिलिंग, उसको भी न्यूमेटिक रॉक ड्रिलिंग कहते हो आप। फिर उसके बाद पैकेजिंग सिस्टम, पैकिंग का जो ऑपरेशन होता है कौन से भी इंडस्ट्री में फाइनल ऑपरेशन है, और वो कैसे होना चाहिए, आपका फास्ट होना चाहिए। तो फूड इंडस्ट्री में भी पैकिंग सिस्टम में आप न्यूमेटिक का यूज़ करते हो, क्योंकि आपकी न्यूमेटिक सिस्टम कैसी है, क्लीन है। फिर उसके बाद मेडिकल एंड डेंटल इक्विपमेंट्स, डेंटल इक्विपमेंट्स में क्या है, जो आपकी डेंटल चेयर रहती है उसके साइड में क्या होता है, एक कंप्रेसर रहता है जहाँ पे आप क्या करते हो, एयर कंप्रेस करते हो, और फिर जो आप चेयर को ऐसे इंक्लाइन डिक्लाइन करते हो वो आप बटन से करते हो, लेकिन उसके पीछे क्या है, न्यूमेटिक का यूज़ किया है। उसके साथ ही जितने भी न्यूमेटिक डेंटल के इक्विपमेंट्स रहते हैं, अगर आपको दांत साफ करने या दांतों में ड्रिलिंग करना है, तो क्या है उसका भी यूज़ कहाँ पे, मतलब वो किस पे ऑपरेट होते हैं, न्यूमेटिक से ऑपरेट होते हैं। उसके बाद ओटी टेबल होता है, ऑपरेशन थिएटर, मतलब जो टेबल रहता है ऊपर नीचे करने के लिए, वो भी न्यूमेटिक से ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में तो आपने देखा होगा किसी ट्रक के पीछे वगैरह लिखा वाला रहता है कि कॉशन, एयर ब्रेक। फिर उसके बाद एयर सस्पेंशंस, वॉल्वो वगैरह जो बसेस रहते हैं उसमें क्या होता है, बेलो टाइप एयर सस्पेंशंस रहते हैं, आपके जो लिप स्प्रिंग रहते हैं वो सस्पेंशन नहीं यूज़ होते। फिर उसके बाद वाइपर्स, आपके गाड़ी के जो वाइपर्स है वो इससे ऑपरेट होते हैं। फिर उसके बाद आपने ट्रैवल्स में भी देखा होगा, वो ट्रैवल्स जो डोर्स होते हैं अपने आप ओपन या क्लोज होते हैं, उसके पीछे क्या होता है, एक न्यूमेटिक सिलेंडर होता है, और फिर वो एयर से आप ऑपरेट करते हो। मशीन टूल्स, मशीन टूल्स में क्या है, न्यूमेटिक प्रेस है, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन है, कुछ क्लैंप रहते हैं वो भी न्यूमेटिक से आप ऑपरेट करते हो। फिर उसके बाद माइनिंग में इसका यूज़ है, क्यों, क्योंकि माइनिंग में कैसा होता है कि आप ज़मीन के नीचे बहुत अंदर चले जाते हो, वहाँ पे कुछ फ्लेमेबल गैसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे छोटा भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए आप वहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम सेफ है वहाँ पे। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग एंड रोबोटिक्स, कुछ कन्वेयर्स होते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल रहते हैं कि आप उसको किसी इसे नहीं हो सकता है, मतलब आप उसको फ्लो नहीं कर सकते हो, इसलिए क्या होता है, न्यूमेटिक के फ्लो से उसको आप एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा सकते हो वैक्यूम सिस्टम से, नहीं तो फिर रोबोटिक आर्म है, ठीक है। ये ऐसे एप्लीकेशंस है न्यूमेटिक के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।